टीवी प्रेजेंट करोलबाग जोन के डिप्टी कमिश्नर कपिल रस्तोगी, अति आयुक्त सुश्री राजरानी ने जोन डिप्टी चेयरमैन व करमपुरा निगम क्षेत्र की निगम पार्षद सुनीता मिश्रा के गृह क्षेत्र पूर्वी पंजाबी बाग ढींगरा पार्क गुप्ता पार्क रोड नंबर 7 रोड नंबर 17 व रोड नंबर 14 का दौरा किया और गुप्ता पार्क को नक्षत्र पार्क में तब्दील किए जाने के प्रस्ताव पर डीसी कपिल रस्तोगी एवं डिप्टी चेयरमैन करोलबाग जोन ने चर्चा भी की। इस अवसर पर सुभाष सचदेवा वेद गुप्ता भारत भूषण मदान आदि उपस्थित थे। मानसरोवर गार्डन निवासी डॉक्टर अजय शर्मा बने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी डॉक्टर व मेडिकल सेल के चेयरमैन। इस बात की सूचना कार्यालय सचिव प्रमोद कुमार ने पत्र जारी कर दी। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शीला दीक्षित ने कांग्रेस में जान डालने के उद्देश्य से जमीन से जुड़े व कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं तक अपनी पहचान रखने वाले डॉक्टर अजय शर्मा को डॉक्टर व मेडिकल सेल का चेयरमैन नियुक्त किया है। दिल्ली पुलिस के 16 आईपीएस अधिकारी का तबादला व प्रमोशन किया गया है। 1994 बैच के आईपीएस नीरज ठाकुर ज्वाइंट सीपी स्पेशल सेल श्री प्रभाकर को एडिशनल सीपी लाइसेंसिंग से ज्वाइंट सीपी लाइसेंसिंग, दीपक पुरोहित को डीसीपी पीसीआर बनाया गया है। रॉबिन हिबू को ज्वाइंट सीपी राष्ट्रपति भवन से स्पेशल सीपी आर्म्ड पुलिस बनाया गया है। ये 1993 बैच के आईपीएस हैं। दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र में एक केमिकल फैक्ट्री में आज आग लग गई। अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है। हरियाणा क्षेत्र में औद्योगिक कचरे को यमुना में प्रवाहित करने से जल में अमोनिया की मात्रा में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल संकट कामोबेश बरकरार है। एनजीटी ने मायापुरी स्क्रैप बाजार में प्रदूषक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर दिल्ली सरकार को सीपीसीबी के पास 5 करोड़ रुपए की परफॉर्मेंस गारंटी जमा कराने का आदेश दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार पर लोकपाल नियुक्त करने और राज्य में लोकायुक्त कानून बनाने का वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए आज भूख हड़ताल शुरू कर दी। राष्ट्र ने आज महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया तथा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशवासियों ने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को आज न्यायालय की रजिस्ट्री में 10 करोड़ रुपए जमा कराने की शर्त पर विदेश जाने की अनुमति दी। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने असम में 2008 में हुए सिलसिलेवार धमाकों के मामले में एनडीएफबी के प्रमुख सहित 10 दोषियों को आज उम्र कैद की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने एससीएसटी एक्ट में बदलाव पर रोक की मांग से इनकार किया। अब इस मामले की सुनवाई 19 फरवरी को होगी। वित्त मंत्रालय ने आज यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बार अंतरिम बजट ही पेश होगा।
इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा, यह बजट अंतरिम बजट 2019-20 ही कहा जाएगा और इसलिए किसी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में बनी स्थिरता के कारण घरेलू बाजार में ग्राहकों को लगातार दूसरे दिन भी राहत मिली है। ये है डीआईडी में खबरें, अब तक इंतजार कीजिए कल तक।